ये भीम का ट्रक यूरोप की सबसे बड़ी खुली तांबा खदान में काम कर रहे हैं, जो स्वीडन के उत्तरी हिस्से में है। खुदाई करने वाली ये विशालकाय मशीनें उन्हें भरती हैं। खदान सैकड़ों मीटर गहरी है और यहाँ से निकली चट्टानें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर मिल में भेजी जाती हैं। वहाँ उनमें से तांबा निकाला जाता है और यूरोप की हाईटेक इंडस्ट्री को भेजा जाता है। लेकिन क्या इस काम को पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जा सकता है? सूफी कैटरपिलर 795F यानी दुनिया के सबसे बड़े ट्रकों में से एक को चलाती हैं। यहाँ यूरोप की सबसे बड़ी तांबा खदान में, जिसे बोलिडेन कंपनी चलाती है। ये ट्रक एक घर जितना बड़ा है, 8 मीटर लंबा। वो हमें अपने साथ ले चल रही हैं, दिखाने के लिए कि ट्रक में चट्टानें कैसे भरी जाती हैं। सोफी वालस्ट्रोम गड्ढे में 3400 हॉर्स पावर का ये बेहद शक्तिशाली वाहन चलाती हैं। ऐसे भीमकाय ट्रकों के लिए लाइसेंस कैसे मिलता है? आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और आपके पास 3 साल तक कार का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वे आपको सिखाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगी। कई बार मैं इंस्ट्रक्टर होती हूँ। सोफी 8 घंटे काम करती हैं। खदान के अंदर जाने का रास्ता तेज ढलान भरा है। यहाँ ये थोड़ा तंग है, इसलिए हमें धीरे चलना होगा और जगह बनानी होगी। अक्सर हाथ हिलाना होता है ताकि दूसरे ड्राइवर जान सकें कि आप जगे हुए हैं और ठीक ठाक हैं। ये ट्रक एक बार में 600 टन चट्टाने ले जाता है। ब्रेक लगने में काफी वक्त लगता है। मेरे ख्याल से ब्रेक लगाने से लेकर रुकने तक कुल मिलाकर 50 मीटर लगते हैं। ये काफी लंबी दूरी है क्योंकि ये एक बड़ा ट्रक है। दूसरी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि ट्रक भरा है या खाली, सड़कें कैसी हैं, बर्फबारी तो नहीं हो रही, कीचड़ तो नहीं है कहीं। हम लोड भरे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब खुदाई करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मशीन अपनी जगह पर आ गई है। इसका नाम है P&H एक्सकेवेटर 4100C10। एक बार में ये 60 से 80 टन चट्टाने उठा लेती है। इसके अंदर 2 मोटर लगी हैं और बिजली से भी इसे चलाया जा सकता है। इस जगह पर विस्फोट होना आम बात है। हर हफ्ते चट्टानों की नई परत फैक्ट्री भेजे जाने के लिए तैयार हो रही है। पहले यहाँ घुमावदार रास्ते होते थे, जो अब नहीं हैं। ये बात भी कई बार सोफी को परेशान करती है। कई बार आप एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि लौटने पर आप रास्ता खोज पाएंगे या नहीं। ये हर वक्त बदल रहा है। कन्वेयर बेल्ट मीलों लंबी है, जिससे तांबे से भरी ये चट्टाने पत्थर मिल तक पहुँचती हैं। ये भी अपनी तरह की दुनिया में सबसे बड़ी है। इसे चलाने में एक शहर बराबर ऊर्जा लगती है। इसे देखकर आप खुद को बहुत मामूली महसूस करते हैं। चट्टानों को पानी में डाला जाता है, जहां इन्हें रसायनों से धोया जाता है ताकि तांबे को अन्य तत्वों से अलग किया जा सके। आखिर में आपके पास तांबे का गाढ़ा मिश्रण बच जाता है। इंजीनियर मार्टिस लीना रिफाइनिंग प्रक्रिया के इंचार्जों में से एक हैं। ऐसा हम अलग अलग चरणों में करते हैं ताकि तांबे की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तो शुरुआत में 0.2% तांबा होता है, जो आखिर तक 25% तक पहुंच जाता है। एक अन्य फैक्ट्री में तांबे को मिश्रण से अलग करके पिघलाया जाता है। सोने और चांदी की थोड़ी बहुत मात्रा को छोड़ दें तो 99% से ज्यादा उत्पादन तांबे का होता है। इन फैक्ट्रियों को चलाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन यहाँ की बिजली 100% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बनती है, जैसे कि पास में ही पनबिजली प्लांट है। इससे बीते सालों में खदानों का कार्बन फुटप्रिंट सुधर गया है, जो ग्राहकों के लिए अहम बात है। ग्राहक मांग करते हैं कि हमारा तांबा कम कार्बन फुटप्रिंट वाला हो और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। हम खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पन बिजली उपलब्ध है। सोफी और उनके सहकर्मी 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं, दिन रात पूरा साल। कुल 60 ड्राइवरों में से आधी से ज्यादा महिलाएं हैं।
आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये आदमियों का काम है, लेकिन महिलाएं भी इसे कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये मजेदार है, इसलिए आकर्षक है। अब फ्यूल टैंक को भरने का वक्त आ गया है। 7000 लीटर डीजल, ये इतना ईंधन है जितना एक घर को पूरा साल गर्म रखने के लिए चाहिए। एक बार टैंक भरकर ट्रक 32 घंटे तक काम कर सकता है। ये सब अब बदलने वाला है। डीजल कम होगा और अक्षय ऊर्जा बढ़ेगी। उनका ट्रक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है, एक डीजल इंजन है और एक इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम बिजली से कनेक्ट कर रहे हैं। ट्रक ऊपर तारों से आ रही बिजली से चलते हैं। 2030 तक हर तरह के काम में लगे सारे ट्रक इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। तब कंपनी इसे ग्रीन कॉपर कहकर बेचेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग पूरी तरह मुक्त होगा और 100% अक्षय ऊर्जा से पैदा किया जाएगा।